वालेकुम गाइस, गाइस कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है, वो आएंगे इंशाल्लाह 3-4 मिनट के बाद आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ से हमारा प्लेन है, यहाँ से हम जाएंगे मोटरसाइकिल पे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क बना है, उसके साथ एक डैम भी है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं उस डैम के लिए, नया नया डैम बना है। तो आप लोगों के साथ पूरा वीडियो इसका शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिए, आगे जाते हैं। जा रहे थे तो अचानक हमारे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम तीन दोस्त थे, ये एक हमारा दोस्त जो है ना आया है दुबई से, तो हम जा रहे थे कहीं विजिट पे। और ये मुसाविर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जिक्र किया था, और ये जो है ना हमारा जिगरी यार है, मोटरसाइकिल में कनेक्ट है। तो कि ये हमारे मोटरसाइकिल का हाल हो गया है एक्सीडेंट की वजह से। हम पूरे पूरे बच गए हैं, तीनों दोस्त जो है ना बच गए हैं। और हमारे ये जो दोस्त है मैकेनिक, हमने उसको कहा कि हमारे पास 1 रुपये भी अभी नहीं है, क्योंकि हमने सारे पैसे खर्च किए हैं। उसने कहा कि पैसों की बात नहीं है, बस आप मोटरसाइकिल इधर लेके आएँ और हम इसका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये इसका शागिर्द है, ये ख़ुद मैकेनिक है, 4-5 शागिर्द है इसके पास, लेकिन ख़ुद काम नहीं कर रहा है, बस शागिर्द को कह रहा है कि ये करो ये करो ये करो। तो हम इसी पूछ रहे हैं कि इसका सैद वली नाम है, हमारा बहुत करीबी दोस्त है, जिगरी दोस्त है। अच्छा, इस पे तकरीबन कितना खर्चा आएगा? तकरीबन आता है 12-13-14 हज़ार रुपये आता है। अच्छा, 12-14 हज़ार का हमने नुकसान किया है। ये जो नुकसान है ये मुसविर बर्दाश्त करेगा। मुसविर, क्या ख्याल है आपका? बस एटीएम से पैसे कल निकलवाएंगे, फिर इसको दे देंगे। अच्छा, कल तो कल अभी तो नहीं जा सकते, अभी कुछ पट्टिया वगैरह भी करनी है, कुछ रेंज वगैरह भी, बस कुछ वगैरह पट्टिया वगैरह लगाएंगे ना। आगे क्या प्लान है? प्लान तो ये फिर घर जाएंगे ना। नहीं, इसको ज़रा ये कहेंगे कोई कंसेशन वगैरह करेगा या बस कंसेशन चार तो चौदह के इंशाल्लाह 14 हज़ार लेंगे? कंसेशन तो इंशाल्लाह कर लेंगे खुद, तकरीबन कितना? बस फिर पता चल जाएगा। अच्छा, आप लोग ये देखिए, ये मोटरसाइकिल का हाल है, और ये कह रहे हैं कि 14 हज़ार रुपये इस पे आएंगे। 14 हज़ार रुपये हमारे पास है ही नहीं। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में फिर जल्दी जल्दी बता दें कि इसके साथ हम क्या करें। 14 हज़ार तो बहुत है, 14 हज़ार पर तो ये पूरा मोटरसाइकिल आता है। कि हम यहाँ पे एक नया डैम बना है, तो मेरा प्लान ये था कि वहाँ पे हम जाके आप लोगों के साथ अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारा जो प्लान था वो नाकाम हो गया, क्योंकि हमने एक्सीडेंट किया है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम बच गए, इतने तो नहीं बच गए, लेकिन हड्डी वगैरह नहीं टूटी है, बाकी तो पट्टियाँ वगैरह करेंगे। लेकिन मोटरसाइकिल के बारे में हमने इसे कहा कि मोटरसाइकिल का क्या पोजीशन है, कब हमें मिलेगी। उसने कहा कि नहीं, ये आज जो है ना इस पे काम बहुत है, कल आपको मोटरसाइकिल मिलेंगे। तो ये हमारा दोस्त है, क्योंकि बाकी एक और मोटरसाइकिल का दुकान था, वहाँ पे हम गए थे, तो उसने कहा कि नहीं इस पे तकरीबन 20 हज़ार रुपये आएंगे। तो ये हमारे साथ आज सीन हुआ है। तो आप लोगों से बस ये आप लोगों की दुआएं हैं कि हम पूरे पूरे बच जाए। हमारे दोस्त बैठे हैं, ये यहाँ का दुकान है, अंदर आपको इसका दुकान जो है ना पूरा दिखाएं। ये देखें, तकरीबन 4-5 मोटरसाइकिल जो है ना यहाँ पे खड़े हैं, ये देखें। लेकिन ये कल से यहाँ पे खड़े हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। एड्रेस जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ज़िला करक और कमरान चौक में है इसका दुकान। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पेशावर से, बनू से, कोहाट से, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल पे इसने जो है ना काम जल्दी से स्टार्ट किया है, क्योंकि दोस्त है, दोस्ती का ये फ़ायदा है कि ये आपका काम जल्दी से करेंगे। और ये अंदर आप देखें, अंदर भी एक मोटरसाइकिल पे लगा है। तो ये देखें, ये रिक्शे पर लोग जा रहे हैं वहाँ डैम की तरफ, क्योंकि आज इतवार का दिन भी है और लोग जो है ना गैदरिंग वगैरह करते हैं डैमों में। तो ये देखें, डैम उस साइड पे है, हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन अचानक बस प्लान जो है नाकाम हो गया। बस ये शुक्र है कि हम बच गए हैं। ये देखे, पूरा दुकान है इसका, जाकिर मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड डेकोरेशन गिफ्ट सेंटर, गाड़ियों की सजावट जो बारात वगैरह में लोग लेकर जाते हैं।